नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते मोनिक जी, बोलिए बोलिए, क्या और क्या हालचाल सर आपसे? हाँ क्या समाचार? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? हाँ बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल जोरदार है। कैसा रहा मल्टीप्लायर का, कोई यूज किया और कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल सर। किस किस फसल में किया तो जरा बारी बारी बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने सर सबसे पहले तो इसको मैंने तंबाकू में करा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या अनुभव रहा उसका? तंबाकू तो मैं अनुभव बहुत बेस्ट रहा, मेरा फर्स्ट टाइम मेरा अनुभव था। तंबाकू की क्रॉप मैंने पहली बार लगाई थी सर। अच्छा ऐसा है? जी जी जी। हाँ, उसमें आधी जमीन हल्की थी और आधी हेवी थी, आधी लाल जमीन थी और आधी काली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। टोटल 5 बीघा जमीन थी सर, उसमें अपनी 45 से 50 क्विंटल के करीब तंबाकू है अपने पास। अच्छा, एकदम वेट कर मैंने ढेर करा है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब 9 से 10 क्विंटल का एवरेज प्रति बीघा का आया है। उसमें सिर्फ मल्टीप्लेयर मैंने ड्रिप से चलाया सर 3 बार और 1 बार यूरिया के साथ दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया था। 3 बार स्प्रे कराया थे। हाँ क्या बात है, वेरी गुड। इसके अलावा कुछ भी नहीं करा सर। और पहली बार बिना एक्सपीरियंस से आपने तंबाकू अच्छा सा निकाला? हाँ हाँ बिल्कुल, आपके मार्गदर्शन में आपने जैसा बोला वैसा ही मैंने करा। जी 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 जी, आप पे विश्वास रखते हुए वही करा जिसे आपने बोला, सेम वैसा की वैसा करा। उसके अलावा मैंने हर कोई सी भी फसल में मैं बिना डीएपी से खेती नहीं करता हूँ सर, बाकी इसमें तो मैंने एनपीके भी नहीं दिया, सिर्फ यूरिया के साथ। ये तो यही कमाल है मल्टीप्लाइड टेक्निक का कि किसानों का खर्चा कट जाता है, देखने से थोड़ा महंगा लगता है लेकिन जैसे यूज करे पता चल जाता है तो सबसे कम प्राइस और उत्पादन ज्यादा, ऐसा होता है इसका। और उसके बाद मैंने अमेरिकन मक्के में किया था सर। अरे सर, अमेरिकन मक्के का आपका बहुत अच्छा वीडियो आया था मेरे पास। हाँ, हाँ उसके बारे में बताइए। उसमें मैंने सर वही उतनी जमीन में उससे पहले मैंने मक्का लगाया था सर। हाँ, तो वो बीघे का 28 क्विंटल पका था सर भुट्टा। अच्छा अच्छा अच्छा, 70 दिन की फसल होती है सर ये अमेरिकन। हाँ, ये भुट्टा ही टूटता है इसका। जी जी जी। और फिर मल्टीप्लेयर तकनीक से करा था मैंने उसको, उसके जीवन काल में 2 बार मल्टीप्लेयर दिया था 2 किलो 1 एकड़ पे यूरिया के साथ। मल्टीप्लेयर तकनीक से करा तो सर मेरे को 44-45 क्विंटल का एवरेज मिला था, सेम वही। क्या बात है, कुछ भी 28 मंथ से 44-45 मंथ, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं। बहुत शानदार रहा। जी जी, मैं तो खुशी हो गया। तकरीबन 1.5 के नजदीक। और मैंने स्प्रे में जैसे उसमें इल्ली का स्प्रे करते हैं ना सर, जी, तो उसमें मल्टीप्लेयर भी सर यूज करा था। कैसे किया? स्प्रे में मल्टीप्लेयर भी उसमें यूज किया था, वैसे इल्ली का मैं सिंगल करता हूँ सर उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर मैंने सोचा हाँ मल्टीप्लेयर भी उसमें आपने बोला था तो मैंने मल्टीप्लेयर के साथ उसमें स्प्रे किए थे। तो उसके बाद चना बहुत शानदार था। मैं उसको वो भी हर साल डीएपी के साथ देता हूँ, बाकी इस बार मैंने डीएपी का 1 दाना भी नहीं दिया और यूरिया का भी नहीं दिया, सिर्फ मल्टीप्लेयर दिया। चना में डीएपी भी यूज करते हैं चना में? हाँ, मैं हमेशा करते हैं, हमारा पूरा एरिया करता है, बाकी इस बार मैंने नहीं करा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या एक्सपीरियंस तो है इसका? बीघे का 5 क्विंटल चना निकला सर मेरा। अच्छा, एवरेज कितना निकल रहा था? एवरेज जो मेरा निकलता था हर साल तो 4 का ऐसा निकलता था, और इस साल जो अन्य लोगों के मुकाबले मेरा सबसे बेस्ट बह रहा। अच्छा अच्छा, यानी यूरिया डीएपी का खर्चा कट गया? कट गया, और स्प्रे में भी कुछ नहीं किया, और क्विंटल ज्यादा तो मल्टीप्लेयर क्विंटल ज्यादा निकला। हाँ, मल्टीप्लेयर और आल क्लियर और नारायण अस्त्र का स्प्रे किया है, स्प्रे प्लस के साथ में। जी जी, यानी पूरा मल्टीप्लाइड टेक्निक का इस्तेमाल करने से यूरिया और डीएपी दोनों को यूज करने की जरूरत नहीं आई। हाँ हाँ, अच्छा, यानी खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। उत्पादन ज्यादा, और यही साल हमारे जैसे देवला में, मेरा जो गांव है ना सर, देवला गांव, जी, यहाँ पे लोगों के चने भी थे सर, उन्होंने यूरिया डीएपी और 6-7 स्प्रे करने के बाद उनके 3 के और 4 के एवरेज आए सर, और 4 तो मुश्किल से आए, 3 के 2.5 के बीघे के, इतना फर्क है अपना। अच्छा, और सर ये जो मल्टीप्लेयर तकनीक से मैंने करा ना सर, इसमें फिर भी चना बारीक रह गया, और अगर बारीक नहीं होता अच्छा अच्छा तो ये 6 से बाहर जाता सर एवरेज। एक पानी कम तो नहीं छोड़ा?
क्या? एक पानी कम तो नहीं छोड़ा आपने? हाँ मेरे को ऐसा ही लग रहा है था। अरे सर वो क्या है, ये मल्टीप्लेयर यूज करने के बाद सर मैंने आपको फोटो भेजी थी सर, इतने कल्ले निकाले उसके जमीन से दिया था ना मैंने हफ्ते से 250 ग्राम, इतने कल्ले निकाले सर कि पौधे में माल बहुत अधिक था। मेरे को ऐसा ही लग रहा कि अधिक माल होने के कारण छोटा रह गया, नहीं तो वो पूरा माल और अधिक में क्या करना था आपको, वापस एक बार और मल्टीप्लायर चढ़ा देना था। हाँ तो वो सर वो वही मैं नहीं कर पाया। हाँ और थोड़ा पानी का कमी होगा और मल्टीप्लायर अगर चढ़ा दिया होता तो बहुत जबरदस्त रहते, उसके दाने बहुत जबरदस्त बड़े बड़े वेट वाले होते हैं उसके दाने। हाँ बाकी एवरेज संख्या बहुत ज्यादा संख्या बढ़ा दी थी, तो अपना एवरेज सबसे बेस्ट रहा, 5 का एवरेज मतलब बहुत बड़ी बात है इधर निकालना। अच्छा आपके वहाँ पे सब्जियाँ क्या क्या होती है जनरली? सब्जियाँ सर करेला भी होता है, लौकी भी होती है, टमाटर भी होते हैं, हर सब्जी होती है सर हमारे। अच्छा आपने कुछ सब्जी में इस्तेमाल किया है कोई सब्जी में आपने? सब्जी में सर मैंने टमाटर में इस्तेमाल किया, टमाटर की आप बात सुन लोगे तो हैरान हो जाओ। क्या बात है, टमाटर पूरा मल्टीप्लेयर टेक्निक से हुआ है सर, उसमें सिर्फ मात्र एक स्प्रे दो स्प्रे मैंने दूसरे किए हैं अन्य जो छोटी अवस्था में, उस टाइम पे मेरा थोड़ा हाँ वो आगे पीछे हो गया था ना मेरे पास खत्म हो गया था तो। अच्छा 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 तो उसके बीच में मैंने दो स्प्रे इल्ली का दूसरा किया है, बाकी फंगी साइड मैंने बाहर से लिया है, बाकी पूरा मल्टीप्लेयर नीचे से दिया है उसको सर सिर्फ और सिर्फ। और डीएपी टमाटर की फसल में सर हर 15 रोज में हम गड़वाते हैं अच्छा, पौधे के पास, और मैं सिर्फ इसमें एक बार गड़वाया था फ्लावरिंग टाइम पे, उसके बाद मल्टीप्लेयर में उसको हर हफ्ते 250 ग्राम चलाता था सर। अच्छा 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 तो सर इतना शानदार रहा टमाटर की आप आखिरी तोड़ा भी देख लो ना सर। हाँ तो ऐसा बोल नहीं सकते हो कि इसकी एंडिंग आ गई प्लाट की माल को देखते हुए। क्या बात है, इतना माल बोल्डर था सर। ये थोड़ा लॉकडाउन के चलते रेट मेरे को कम मिले, उसके बाद भी पैसा मैंने कभी नहीं बनाया। 1.5 बीघा जमीन थी सर, 1 एकड़, अच्छा अच्छा 4 लाख रुपए के टमाटर बेचे कम रेट में। ये लॉकडाउन अगर नहीं रहता तो 6 से 7 लाख रुपए का टमाटर होता सर। फिर भी बहुत अच्छा है सर, लॉकडाउन में 4 लाख रुपए का टमाटर यानी बहुत अच्छी बात है। कितना है, कितना बीघा जमीन का? 1.5 बीघा जमीन सर, 1 एकड़ भी 1 एकड़ खाली 1.5 बीघे में 4 लाख का टमाटर निकाल दिया। 4 लाख? अरे अच्छी बात है ना सर, अच्छी बात है। कौन सा फसल इतना देता है कम समय वाला? सर मेरे पास 1-1 कैरेट का एंट्री करी हुई है सर, मैंने 1700 से 1800 कैरेट के बीच में बेचा है माल। क्या बात है, 1 एकड़ में। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार रहा। और उसके बाद सर खासियत ये थी मेरे टमाटर की, ये टेक्निक से मैंने करा था तो मार्केट में कोई सी भी मंडी में फेंका माल सबसे पहला मेरा माल उठा बोल्डर होने के कारण। दूसरा आपको बार बार बोलते होंगे कि भाई आओ तो मुझे कॉल कर लेना है सर। बिल्कुल हाँ हाँ, क्योंकि हमारे कई कस्टमर यहाँ पे है, उनको बोल देते भाई आप आने वाले हो तो दूसरा का माल नहीं लू, ऐसा बोलते है हमारे कस्टमर को। हाँ वो सब भी मंडी वैरायटी मैंने सेमिनार्स की विमान वैरायटी लगाई थी ना सर। हाँ हाँ, सेमिनास कंपनी की विरांग नाम की टमाटर की वैरायटी है सर। हाँ वो अन्य लोगों के पास भी थी, बाकी उनके दो दो तोड़े के बाद उसका माल मतलब वो साइज छोटा आने लग गया था। अच्छा 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 अच्छा, और उसमें आखिरी तक भी शिकायत नहीं है। जब लास्ट तोड़ा भी मैंने तोड़ा ना सर उसमें, हाँ तो 40% बोल्डर माल था सर। क्या बात है, और पूरा माल मैंने आपके दाहोद और लिमड़ी में बेचा है सर। क्या बात है, हाँ मैंने ये मान के चलो 80% माल मेरे दाहोद का एक व्यापारी है, बाबू भाई करके एक व्यापारी है, पूरा माल मेरा ले गया। क्या बात है, वेरी गुड। आखिरी में उसने मैंने माल उसको छोड़ा, मेरे यहाँ लोकल मंडी में ज्यादा पहचान थी तो उनके कहने पे उनको माल छोड़ा। उन्होंने मेरे को यहाँ तक भी बोला कि यार आप मेरे को माल क्यों नहीं दे रहे हो, अच्छा क्या दिक्कत है, इतना सुपर माल आखिरी तक रहा। क्या बात है, वेरी गुड, यानी उसकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है टमाटर की लाइफ है ना। एवरेज मल्टीप्लायर बिना का कोई टमाटर हो और मल्टीप्लायर यूज किया हुआ कोई टमाटर हो तो उसकी लाइफ में दिन में बहुत फर्क रहता है, और क्वालिटी तो साइनिंग और टेस्ट है वो सारी चीजें बदल जाती है। और सर सबसे मेन बात ये है
कि मेरे एरिया में सारे प्लांट टमाटर के जो भी थे वो मल्चिंग से थे, मेरा विदाउट मल्चिंग में था। मैंने आपको ये चीज पहले बताई थी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। वो मल्चिंग और विदाउट मल्चिंग में सक्सेस होना प्लांट, फर्क रहता है, उसके बावजूद बहुत अच्छी बात है। जी जी हाँ, बिना मल्चिंग से टमाटर लगाना और सक्सेस करना हमारे बेल्ट में चुनौती है सर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ हमेशा सब्जी की फसलें होती है ना, तो फंगस का बहुत बहुत जबरदस्त खतरा रहता है जड़ों को। अच्छा 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 अच्छा, बात भी मैंने आपके बोलने पे हिम्मत करके कर ही दिया सर। बाकी उसका जड़ों का ग्रोथ देख लो, चाहे जहाँ पे भी तुम टमाटर से टमाटर की दूसरी लाइन होती है ना सर, जी जी, उसके बीच में चाहे जहाँ पे भी आप मिट्टी को थोड़ी सी 1 इंच उसको गहरी करोगे तो आपको जड़े अपने सिर के बालों जैसा अनुभव होगा। इतनी जड़े थी सर सफेद वाले। अरे खतरनाक रहता है, एक काम तो बोलते ना। सही बात है बिल्कुल, बहुत शानदार। लोग माइको राजा यूज करते हैं। हाँ, माइको राजा जो चलाते हैं ना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं खुद चला रहा हूँ। सही बात, वो खर्चा भी कट जाएगा। सही बात है बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, तो आप ये तो अभी आपने एक ये साल में ही इस्तेमाल किया, जैसे जैसे आपकी जमीन में ये यूज होता रहेगा ना मोनिक जी, 5 से 7 साल में आपको यूरिया डीएपी कुछ भी नहीं यूज करना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा हल्का सा भी दे रहे हो ना, वो हल्का सा भी देने की जरूरत नहीं आएगी, और आपके जितना प्रोडक्शन किसी माइके लाल के अंदर तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कम से कम 3 गुना तक प्रोडक्शन जाएगा। अच्छा, और दवाई खाद का खर्चा कम हो जाएगा, मेहनत का खर्चा, उसको जो लगाने का, दवाई डालने का और स्प्रे करने का, ये सारे खर्चे, ये हम किसानों के लिए वरदान रहेगा सर ये मल्टीप्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अभी तो ये पहला साल है, दूसरे साल में देखना आपका डंका बजने लगेगा, उस एरिया में लोग आपको पूछने आएंगे। और सर मैं ये कह रहा था, अभी मैं इस साल जी करेला मल्टीप्लेयर तकनीक से करूंगा। जी जी बिल्कुल, लगा दिया है मैंने, करेला लगा दिया है, मिर्ची लगा दी है, कपास लगा दिया है, मक्का लगा दिया है, और अदरक अदरक अब लगाऊंगा, वो भी पूरी मल्टीप्लेयर तकनीक से करूंगा। और एक गराड़ू आता है, गराड़ू, हाँ जी 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 जी, वो भी यही तकनीक से करूंगा सर। मजा आ जाएगा आपको, बहुत बहुत सारे फसल लोगों को बता सकते हैं, इर्द गिर्द दूसरे गांव से लोगों को बुलाने का अपने प्लांट पे, और दिखाने का लोगों को, देखो ये मल्टीप्लायर का, और एक चार्ज ऐसा रखने का जहाँ पे मल्टीप्लायर इस्तेमाल नहीं करे। बिल्कुल सर, लोगों को अंतर दिखे, पता चले तब, जब क्योंकि दिखता है वो बिकता है। सही बात, अपन कितना भी बोले लेकिन उनके आंखों में एक बार जच गया ना तो पता चल जाएगा कि मल्टीप्लायर का ताकत क्या है और बिना मल्टीप्लायर की ताकत क्या है। दुनिया का कोई भी खाद लगा दो, उसके सामने मल्टीप्लायर लगा दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही रिजल्ट देगा। बिल्कुल सही बात है। और अभी भी बस मेरी बेसल देने की तैयारी है। जी जी जी, मैंने आपसे ले गए स्टॉक घर पे, एकदम पेटी पड़ी हुई है कि बस अब जिस दिन खाद देने की तैयारी हुई कि उसके साथ इसको मिला के, जी जी, पेटी तैयार है। बस अब जैसे ही इसको बेसल देने की तैयारी करी कि साथ में मल्टीप्लेयर दूंगा, और जो रेगुलर इसको चल रहा है वो चलेगा ही, इम्पोर्टेंट फसलों में चलेगा। जी जी जी, जैसे सब्जियों की हो गई, बाकी जैसे कपास वगैरह है, एक बार बेसल से हो जाएगा, फिर अगली बार 1 महीने बाद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक रहेगा ना सर। स्प्रे में तो देंगे, हर स्प्रे में देना है इसको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और सर स्प्रे में भी, सर मैं इस बार स्प्रे में भी यही नारायण अस्त्र और हाल क्लियर ही यूज कर रहा हूँ, अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है सर। सर मेरे करेले 1 महीने के हो गए करीब। सर सच्चा किसान वो होता है, खेत में जाके खड़ा होता है तो पौधा बोलता है उसको, क्योंकि उसको क्या जरूरत है, पानी की जरूरत है, हवा की जरूरत है, दवा की जरूरत की क्या जरूरत है, बराबर। करेले के प्लांट में सर बहुत समस्या आती है। हाँ हाँ हाँ, पर इस बार कुछ भी समस्या नहीं है। उसके बाद वही मैं किसी को भी बोलता हूँ कि अभी तक 2 स्प्रे हुए हैं इसमें। स्प्रे मैंने कौन से करे, एक तो मल्टीप्लेयर, आल क्लियर और नारायण अस्त्र सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत पूरा सिस्टम आ गया। हाँ, तो अभी तक तो कोई भी समस्या नहीं है सर, 2 स्प्रे हुए 1 महीना हुआ अभी नहीं। बहुत बहुत वातावरण खराब होता है तो अभी शुरुआत हो रही है, तो हल्का सा जरूरत पड़ेंगे तो ही डालेंगे, बाकी केमिकल को डालने की जरूरत। एक स्प्रे में फंगीसाइड लिया है सर ब्लू कापर, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना सर? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जो थोड़ा डालते हैं थोड़ा थोड़ा चखाते रहो, धीरे 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 कम करते जाएंगे, जैसे जैसे साल चले जाएंगे ना ऐसे कम करते करते जाएंगे, फिर आपको कोई दवाई की जरूरत ही नहीं आएगी। और जमीन के अंदर ऐसा करना, ट्राइकोडर्मा जो जाइटेक्स कंपनी का या कोई अच्छी सी बायोकेयर कंपनी का ट्राइकोडर्मा आता है ना, उसको चला दीजिए जमीन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास है, पेसिलोमाइसिन है, ऐसी चीजों को एक दो बार चला देने का,
तो उससे क्या तो जमीन के वो अंदर जमीन से हाँ हो अच्छा करता हूँ सर, मैं वही करता हूँ। आपको दीमक या वो जो मेड़ ने ये सब सारा प्रॉब्लम आता है वो आता है मिलीबग ने ये सब दीमक की तो नहीं आती है सर मिलीबग इधर प्रॉब्लम। मिलीबग मेड़ मूंगफली मिलीबग कपास में बहुत ज्यादा आता है सर। मूंगफली करते हो आप? मूंगफली नहीं करते हैं, बाकी कपास में आता है सर मिलीबग। तो मेटाराइजियम एनोसोपली करके आता है, उनके बारे में मैं डिटेल में आपको भेज दूंगा, तो वो कर लेना, उसका ट्रीटमेंट कर लोगे तो मैं बहुत सारे लोगों को खर्चा काट दिया, बहुत सारे लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक वीडियो भी मेरे पास है तैयार, मैं भेज दूंगा आपको, उतना करवा लेना बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, या मैं लिख के भेज देता हूँ आपको। चलो मेटाराइजियम एनोसोपली के लिए हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, कौन से जो जमीन जन्य रोग है उसमें क्या क्या काम करता है, बराबर। बिल्कुल हाँ जी 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 तो जमीन की ट्रीटमेंट दी है, और ये मल्टीप्लाई टेक्निक जो है उनका इस्तेमाल, जमीन की ट्रीटमेंट तो ये ट्राइकोडर्मा सुडोमोनस स्पेसिलोमाइसिन एक दो बार दे देना है, एक दो साल तीन साल चलाएंगे, उसके बाद उसकी भी जरूरत नहीं आएगी अपने को, हाँ नहीं आएगी। बराबर। इसके बाद तो ये मल्टीप्लाई टेक्निक 7 साल चलाओ, 7 साल के बाद मल्टीप्लाई टेक्निक नहीं भी इस्तेमाल करोगे तो भी आपका 3 गुना से नीचे उत्पादन नहीं आएगा। हाँ जमीन पूरी उपजाऊ हो जाएगी, उपजाऊ के साथ साथ उसमें केचुए की संख्या। हाँ जैसे मैंने पहले दिन बोला था, यही स्टेटमेंट मेरा लास्ट तक रहेगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके मोनिक जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका सुनने को मिला है, ओके थैंक यू। ये तो सर आपकी दुआ है सर। नहीं बराबर, लेकिन हमारा मिशन है, हमारा किसानों को समृद्ध करना और मिट्टी को बलवान बनाना हमारा मिशन है ये। कि मैंने फर्स्ट टाइम तंबाकू लगाई और उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैंने नेट पे सर्च करा, यूट्यूब पे, तो मैंने आपका वीडियो देखा और आपसे मुलाकात हुई। जी 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 हाँ, यानी फोन पे ही, अभी तो रूप तो मिले नहीं, अपन फोन पे ही मिला। हाँ जी, जो अच्छा है डायरेक्ट आपने भरोसा किया, और एक सीजन में एक चीज के ऊपर ट्रायल करते करते दूसरा सीजन तीसरा सीजन इस्तेमाल किया तीसरे पौधे फसल पे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। बिल्कुल, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आत्मविश्वास तो बड़ा ही बड़ा सर जी, बाकी सर खर्चा तो बहुत, ये मान के चलो मेरा तो ये मानना है कि अगर ये तरीके से अपन खेती करते हैं तो मात्र 30% खर्च लगता है, 70% बच रहे हैं सर। हाँ पेस्टिसाइड से सबसे बड़ी बात बोली, और जो जो ये कुदरती आफत आती है ना, कुदरती आफत, हाँ उसमें जो किसानों का हाल होता है ना, उसमें कभी इनको दिक्कत नहीं आएगी, 70% बचा लेगा कम से कम कुदरती आफतों में भी, हमारा मल्टीप्लाई टेक्निक 70% बचा लेता है, ये भी सिद्ध हो गया, वो भी आपको एक्सपीरियंस एक दो साल में आ जाएगा आपको भी। जैसे नई फसल कुछ करोगे और कुदरती आफत आई ना, तो उसमें पता चल जाएगा कि दूसरों का कितना नुकसान है और आपका कितने कम परसेंट में नुकसान है, और वो जब कोई प्रोडक्ट कम होती है तब उसका रेट है ना बहुत हाई आता है, तो जो कमा रहे हैं उससे ज्यादा कमाओगे आप। बिल्कुल, कुदरती आपदा में बहुत अच्छा काम करता है ये हमारा प्रोडक्ट। जी चलो जी जी मोनिक जी, बहुत अच्छा रहा आपके साथ बात करने का, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी ठीक है मोनिक जी।